अयोध्या से पहले दिल्ली में राम मंदिर बनाया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप इसकी झलक देख पा रहे हैं। इसका मकसद है 4 नवंबर को केजरीवाल सरकार दिवाली पूजा का आयोजन करने जा रही है। यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे सपरिवार दिवाली पूजा में। दिल्ली का उत्सव के नाम से इसका आयोजन किया जाता है 2019 से ही। पिछले साल अक्षरधाम मंदिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली की पूजा की थी और कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर रामलला के उन्होंने दर्शन किए और कुछ इसी तरह का मॉडल तैयार किया जा रहा है राम जन्म भूमि पर, यानी कि जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसकी झलक दिल्ली वाले इस दिवाली पर देख पाएंगे। तो उसका क्या मकसद है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है आतिशी, जो कि यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है आतिशी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, तो वहां से प्रेरणा ली गई है क्या राम मंदिर की? देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरा देश मनाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्यौहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। पिछले साल अक्षरधाम मंदिर पे पूजा हुई थी, हमने उसका लाइव टेलीकास्ट किया था कि कोविड की वजह से, प्रदूषण की वजह से अगर लोग नहीं मना पा रहे हैं दिवाली तो वो उस दिल्ली की दिवाली को देखें और साथ में अपने घर में बैठ के पूजा करें। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, मॉडल राम मंदिर का देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, यहाँ पे क्या कुछ आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ खास उस दिन होगा? लोग लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे तो कैसे देख पाएंगे, और या यहाँ पर रामायण का चलचित्र भी देखने के लिए मिलेगा? जी, 7 बजे के समय से पूजा का शुभारंभ होगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पूरा कैबिनेट, सपरिवार यहाँ पे पूजा करेगा और जो झंडे वाला मंदिर है उसके जो मुख्य पुजारी हैं वो पूजन करवाएंगे। और पूजन ऐसे करवाएंगे कि ना सिर्फ यहाँ पे मुख्यमंत्री और कैबिनेट यहाँ पे पूजन करेंगे, पर साथ में हमारा सब दिल्ली वालों से आग्रह है कि वो भी उसी समय अपने अपने घरों में साथ में पूजन करें। कि हम पटाखे नहीं मना सकते हैं, अपने घरों से उस तरह से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 करोड़ दिल्ली वाले एक साथ मिलकर दिवाली का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो आपने तैयारियों के बारे में बता दिया, लेकिन अब मैं राजनीति से जोड़कर इसे अगर देखूं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार दौरा कर रहे हैं, अयोध्या हाल ही में वो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या बहुत जरूरी हो गया है श्रीराम के नजदीक आना? देखिए, भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थयात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्यौहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। तो श्री राम के इस बार नैया पार लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में अपने संगठन पर काम कर रही है, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही है, अभी वहां पे बिजली आंदोलन चल रहा है, ये तो इस बार दिल्ली वालों के साथ दिवाली मनाने का तरीका है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व भाग गया है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हम इन दिनों जहां देख रहे हैं वहां पर अयोध्या की चर्चा हो रही है, श्री राम की चर्चा हो रही है, अब देखिए इतना बड़ा मॉडल आपने यहां पर तैयार कर लिया है, तो ऐसे ही में क्या जरूरत है या फिर ये समय की मांग है कि आपको हिंदुत्व अपनाना ही होगा राजनीति के जरिए भी? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि इस देश में धर्म लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन मैं एक हमारा सबका मानना है कि सिर्फ एक धर्म नहीं, हर धर्म का स्थान है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर आप दिल्ली में भी देखिए, हम दिल्ली में हर त्योहार मनाते हैं, अगर आप दिल्ली में भी देखिए जो हमारी तीर्थयात्रा योजना है, अगर वो अयोध्या लोगों को लेके जा रही है तो गोल्डन टेम्पल भी लेके जा रही है, वो उस तरफ अजमेर शरीफ भी लेके जा रही है, तो हर धर्म का इस शहर में, इस देश में स्थान है और हर धर्म को उतनी जगह मिलनी चाहिए। साथ ही साथ क्या आम लोग भी इसके दर्शन कर पाएंगे? जाहिर है उस दिन तो लाइव टेलीकास्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या ये जो भव्य
राम मंदिर है, अयोध्या में तो बन ही रहा है, दिल्ली में पहला बन गया है, और इसके दर्शन आम लोग कर पाएंगे? देखिए, अभी तो इसका लाइव टेलीकास्ट का ही प्लान है, पर अभी कई तरफ से ये डिमांड आ रही है कि यहाँ पे दर्शन भी होने चाहिए, तो उसको भी जरूर कंसिडर करें। आतिशी है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो बता रही हैं कि यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम होंगे। पीछे अभी जो सफेद स्क्रीन देख रहे हैं, इस मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर लेजर शो होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक मूवी के अंदाज में रामायण भी दिखाई जाएगी। और यहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं, आइए, यहाँ पर तमाम लोग ये तैयारी जो कर रहे हैं, मंच बनाया गया है यहीं पर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सपरिवार पूजा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि ये किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है, ये देखिए, यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा। और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो उसका भी एक असर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में जो तीर्थ यात्रा योजना है उसमें अयोध्या को शामिल किया, गोवा में भी अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया, लेकिन 4 नवंबर को दिवाली का उत्सव यहां पर मनाया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।